बैठो बाबू बैठो। जय राधा माधव।
वाचं जुहाव मनसि तप्राण इतरे च तव मृत्यु अपानं उत्सर्गं पंचतत्वे अजोहिता कृष्ण भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का 41वां श्लोक है 1.15.41 अनुवाद श्री गुरुदेव द्वारा। जब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया, तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त होकर क्रमशः समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि समस्त भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतः मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेने चाहिए और श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ना चाहिए, तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब हैं, किंतु कार्यकलापों के गुणों को पदार्थ से श्री भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है तब उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन स्थित हो जाता है। क्षणिक भौतिक देह के अस्तित्व में आने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतः यदि मन को श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के पश्चात मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर जाने की पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कर्मश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगी। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग एक प्रसंग देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें श्री भगवान के चरणों में अगर हम अपना मन रखेंगे तो उससे हमें क्या गति मिलती है उसका वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत के उन अध्यायों में से एक अध्याय है जिसमें पांडव जो भगवान श्री कृष्ण का इस जगत से अंतर्धान हो जाते हैं, तो उस समय यदि इस जगत से मुक्त होकर भगवत धाम की तरफ जाने के लिए तैयारी करते हैं, वो प्रसंग यहाँ पे चल रहा है और जिसमें बताया गया है किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और सारे पांडव और उनकी पत्नियां, ये सब जब उन्हें पता चलता है कि अभी भगवान यहाँ से भगवत धाम की तरफ चले गए हैं, तो उस समय ये अपने मन को
इस संसार की विषय वस्तुओं से निकाल कर भगवान के चरण कोण में रखते हैं और वहीं से भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इस संसार में हमारा मन अनेक अनेक चीजों में लगा रह सकता है और जिस चीज में हमारा मन लगता है उस प्रकार की एक आदत हमें बन जाती है और वही आदत हम लोग अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वही संस्कार बचपन में जो हमें संस्कार लगे थे अभी तक वो चलते आ रहे हैं। बचपन में जो आप सब्जी खाते थे अभी वही खाते हैं और इस जीवन के अंत तक वही खाते रहेंगे। उसको बदलना संभव नहीं है क्योंकि वो संस्कार आपने बना लिया है, बराबर। उसी प्रकार इस जीवन में हमने जो संस्कार बनाए हैं वही संस्कार हम लोग अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए पूरा जीवन मनुष्य का केवल संस्कारों को बदलने में ही लगाना चाहिए। जो बुरे संस्कार है उनको बदलकर अच्छे संस्कार लाना, और यही हमारा कार्यक्रम है। इसलिए हम लोग रोज क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मैनेजर लोग को अगर बुलाई काम कर लो जब बुलाई उनकी मार सकते ये साउंड सिस्टम में लेंगे उधर साउंड एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर रहेगा तो बुलाइए, प्रदीप लोग का नंबर है बस है तो बुलाइए, नहीं तो अगले जन्म में भी मैनेजर बन के रहेंगे। अभी इतना मैनेजर यही कर रहे हैं लोग, इनको बोला कि तुम लोग अंदर बैठे करो क्लास में, इधर से अटेंडेंस लो लोग जो आने वाले हैं तो अंदर हॉल में आएंगे ना, थोड़ी गोविंदा रेस्टोरेंट में जाएंगे, उन्हें गोविंदा में जाएंगे क्या लोग, टिकट तो यहाँ पे काटना हम तो यहीं पे आएंगे लोग। फिर भी वो लोग लगता है कि अभी हम नहीं बैठेंगे तो लोग कैसे अंदर जाएंगे, बड़ा समस्या है। हरे कृष्ण बैठिए अंदर, अभी लोग जो आएंगे आएंगे इधर से दरवाजा खोल के। कैलाश रूम किधर है हमारे कुबेर जी, यात्रा का जिसका लक्ष्मी बाकी रहेगा कैश मेरे पास रखा हुआ है, क्लास के बाद आप लोग उससे मिल के दीजिए, ठीक है। हाँ यात्रा का लक्ष्मी, तो इसलिए हमें अपने संस्कारों को बदलना है और संस्कारों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है और हमारे हाथ में है भी, हमारे हाथ में नहीं इन द सेंस कि हम लोग अपने बल पर नहीं बदल सकते उसको। उन संस्कारों को बदलने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा जो उनको बदल सकता है, और वो है भगवान या फिर उनके शुद्ध भक्त। जब हम उनका आश्रय लेते हैं जैसे श्रीमद् रूपपाल है और उनके अनुयायी है और भगवान, तब हमारे संस्कार बदल जाएंगे और तब जाके हम लोग शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज हम लोग शांति का अनुभव नहीं करते क्योंकि हम लोग अनेक अनेक संस्कारों से पीड़ित हैं, मन के अंदर अनेक अनेक संस्कार है, एक कंडीशनिंग है, और उसकी वजह से हम अपने ही मन में उलझे रहते हैं, अपने ही मन में व्यस्त रहते हैं, अनेक अनेक जटिल क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला में। इसलिए उससे बाहर निकलना है तो हमें ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, और वो है भगवान। इसलिए आप लोग नित्य नियम से उनका नाम जप कीजिए, आप लोग कर रहे हैं सब लोग नाम जप, सिस्टम नाम लोग कितने हाथों पर कीजिए, 16 माला वाले ओके, 8 माला वाले ओके, 4 राउंड्स ओके, 2 राउंड्स अच्छा 1 राउंड, 1 राउंड में सबको आता आना चाहिए ना, फिर उसमें 16 भी आ जाते हैं। ऐसा कोई है जो यहाँ पे जप नहीं कर रहा है उसको हम यहाँ खड़ा करेंगे अभी और पूरा बनाएंगे, स्कूल में पनिशमेंट मिलता था ना, तो आप लोग यहाँ पे आते हैं कार्यक्रम में इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ मनोरंजन होता है, यहाँ पे आप इसलिए आ रहे हैं ताकि आप यहाँ से कुछ भगवान के दिव्य नामों का संदेश अपने साथ लेके जाए और पूरे हफ्ते भर उसका उच्चारण करते रहे, राइट। नहीं तो क्या है कि आप लोग
सदा सर्वकाल ऐसे मंदिर में आते रहेंगे जाते रहेंगे और जिंदगी ऐसी बीतती जाएगी। अच्छी बात है मंदिर में आगे आप जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर आप यहाँ पर आकर संदेश भगवान का लेकर घर में जाकर भगवान का नाम जप करेंगे तो नहीं तो हम लोग इस प्रकार भगवान के दिव्य कार्यकलापों का चिंतन और मनन करें रोज। घर में श्रीमद् भगवद गीता रखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण रखिए, उसका अध्ययन कीजिए, कीर्तन कीजिए, घर में जॉब कीजिए, जॉब के साथ जॉब भी कीजिए, है ना। और जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, दिव्य प्रसाद के रूप में उसका कृपा बनाकर। इस प्रकार जब हम जीवन जिएंगे तो इस जीवन के अंत में हमारे लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे हमको इस भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर लेके जाने के लिए। और उसका अनुभव ऐसा नहीं कि जीवन की मृत्यु के अंत में आएगा, अभी भी आपको अनुभव आएगा कि कैसे भगवान हमारे साथ साथ रह रहे और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आज हम अंतिम पड़ाव देखेंगे। इस अंतिम पड़ाव में पिछली बार आपने देखा था हम लोग कथा सुन रहे थे अनंताचार्य, अनंताचार्य एक भक्त हैं जिनका वर्णन पिछली बार हम देख रहे थे किस प्रकार उन्होंने तिरुपति में भगवान वेंकटेश के लिए गार्डन बनाया था, राइट। और उस गार्डन के साथ साथ उन्होंने पुष्कर भी बनाए थे, तालाब पॉन्ड। और उस तालाब को बनाने के लिए अपनी पत्नी और खुद सेवा में लगे थे। उस समय आप देखते हैं कि इस प्रकार भगवान श्रीनिवास खुद एक बालक का रूप लेकर आते हैं और उस पॉन्ड को बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन अनंताचार्य कहते हैं कि नहीं, ये मेरी सेवा है, मैं करूंगा, ये मेरा जीवन है, इसे मैं जीऊंगा, मेरी सेवा है तो मैं करूंगा, आपकी सेवा आप करो। इस प्रकार ये वैष्णव आचार्य एक ऐसा आदर्श उदाहरण हमें देते हैं कि कोई भी जब हमें सेवा मिलती है तो वो हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, क्योंकि सेवा ही जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत में जिगर स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास। हम लोग भगवान के क्या है, नित्य दास है, हम लोग कभी बॉस नहीं बन सकते, और बॉस बनने में भी क्या मजा है, कुछ मजा नहीं। गोलोक वृंदावन में है भगवान श्री कृष्ण को गोपियां डांटती है, तो आपको बॉस बनेंगे तो डांट पड़ेगी और सेवक बनेंगे तो डांटने को मिलेगी। भैया यशोदा भगवान को डांटती है, गोपियां डांटते हैं, जो सखा है भगवान के, भगवान के नंगे पर चलते हैं और कहते हैं लाला तो हार गया है, गेम खेलते खेलते अभी तेरे को हमको उठा के चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर दूर तक। हमें अगर भगवान बनना है तो यहाँ देख लो भगवान खुद सेवक बनना चाहते हैं और हम लोग इतना बोल कर हम लोग भगवान बनना चाहते हैं, राइट। जो कि हम वास्तव में बन नहीं सकते, बनने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन उस नाटक करने के चक्कर में हमारा जीवन भी उजड़ जाएगा, धन दौलत पैसा सब कुछ बिखर जाएगा। यानी कि हमारा धन दौलत क्या है, पैसा नहीं, धन दौलत में हमारा सेवा करने का जो प्रवृत्ति है वो हमारा धन दौलत है, भगवान का नाम लेते वो हमारा धन दौलत है, राइट। तो इस तरह से अनंताचार्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए। उसके तत्पश्चात एक बार वर्णन आता है कि अनंताचार्य एक जगह से तिरुपति में रहते थे, तिरुपति से कहीं दूसरे एक जगह जा रहे थे अपने किसी सगे संबंधी से मिलने के लिए, तो उन्होंने साथ में यात्रा पर निकलने के पहले जैसे आप लोग उसे लेके आए थे पूरी मर्जी लेके आए थे अपनी पूरी यात्रा में, वैसे अनंताचार्य अपना टिफिन बना के लेके गए थे तिरुपति से कि रास्ते में भूख लगे तो खा लूंगा। तो ऐसा हुआ कि उस टिफिन के अंदर लड़के से कुछ चींटियां बंद हो गई उस तिरुपति धाम की, इनको पता नहीं था। जब ये कुछ अंतर चले गए तिरुपति से बाहर, और तिरुपति से बाहर जाने के बाद इन्होंने अपना डोकर में टिफिन बॉक्स खोला प्रशांत करने के लिए, तो देखते हैं उसके अंदर चिटिया चिटिया बाहर निकल गई। तो अनंताचार्य चिटियों को देखकर बड़े दुखी हो गए, उन्होंने सोचा कि
कि भगवान के धाम में जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, कष्ट पाकर वहां जाते हैं ताकि भगवान का दर्शन हो सके। आप लोग यहाँ तक आए बड़े कष्ट से आए होंगे, आज अपने घरों से, ऑफिस से, जॉब से, घर में बर्तन छोड़े होंगे पालने के लिए, कपड़े छोड़े होंगे, सब्जियां काटनी होगी, करनी स्कूल के यूनिफॉर्म प्रेस करने होंगे बच्चों के, और फराना 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 पता नहीं कितना है, एंडलेस। ये सब काम काम छोड़ के यहाँ बड़े संघर्ष से आए आप लोग, राइट। भगवान के धाम में जाना बड़ा तपस्या होता है क्योंकि भगवान आगे सुबह एंट्री देते नहीं धाम में, तो आपको भी एंट्री दिया था वृंदावन भगवान ने बड़े कष्ट के बाद, क्योंकि धाम तो भगवान का है ना, थोड़ी हमारा आपका है। जैसे आपका घर होता है तो आप डिसाइड करते हैं ना, यहाँ तक का मसल रोते चल रहा है, आपके घर में एंट्री कौन आएगा नहीं आएगा आप डिसाइड करते कि नहीं? आप किसी को भी एंट्री देते हैं क्या? नहीं, आप पहले परखते हैं कि चोर तो नहीं है, पैसा तो चोरी नहीं करेगा घर में आकर, ये मेरे घर वालों के ऊपर अटैक तो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि चोर तो नहीं आए लोग, पर बस भर के आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे कोई लूटपाट करके चले जाए, किसी ने बस को रोक दिया जगह पे, बोले इनको अच्छी तरह से स्कैनिंग करो 12 घंटे ठंडी में पूरा स्कैन किया, उसमें से जो फेल हो गए वो फेल हो गए, ऐसे कोई फेल नहीं हुआ, भक्तों के सामने अगर अकेले रहते तो फेल हो जाते, यार कौन जाएगा जाने को, इधर ही सो जाता हूँ सवाई माधवपुर में। भक्तों का संग बड़ा आवश्यक है, जो चीजें अकेले में बड़ी कठिन होती है वो भक्तों के संग में बड़ी सहज और सुलभ हो गई। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, संजय प्रभु आ गए, थोड़ा इसका इको कम करो, संजय प्रभु अरे बस बड़ा भाई इको पूरा डाउन कर लो, हरे कृष्ण आप लोग भी अपने लोग ब्रेक मिल जाते हैं तुरंत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, अभी बेटर है तेरे पास बड़ा हो गया थोड़ा सा पक्का हो जाएगा मतलब अच्छा हो जाएगा, बट बेटर है पहले से। तो इस प्रकार वृंदावन या फिर किसी भी धाम में जाना है तो हमको भगवान क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, आपको बड़ा स्कैन किया, और अभी दूसरी यात्रा का भी वीजा दिया नहीं उन्होंने, आप लोग बोलते हैं यात्रा जाना है वहाँ पूरा यात्रा जाना है, मतलब भगवान को ही रुको एक यात्रा में ही मेरा खराब कर दिया भगवान ने, इतना मेरे को गाली दिया है लोगों ने कि अभी तक मैं उसको याद कर करके दुख भी भर जाता हूँ, तो दूसरी यात्रा में सोचूंगा भगवान मिलना, मैं बताता हूँ वेट करो, आप वेटिंग लिस्ट में खड़े रहो, राइट। आप बोलेंगे आपने तो भगवान को गाली नहीं दी है, भगवान के भक्तों को गाली देना मतलब भगवान को गाली देना, इसलिए भक्तों को अगर गाली देता है कोई हाँ ठीक है अभी बराबर है बेटर परफेक्ट, तो हमारे संजय प्रभु उनका धन्यवाद देते हैं हम लोग, हरि बोल हरि बोल, यही बड़े यात्रा के मैनेजर हैं, उनके साथ भी कभी यात्रा जाने का हमें आनंद लेना चाहिए भविष्य में। तो चलते हैं फिर खोपोली, पता है खोपोली भी धाम है, तुकाराम महाराज का मंदिर बड़ा विठल भगवान विठल घर, तो तुकाराम महाराज आए थे खोपोली में, और उसके पास में देहू है तुकाराम महाराज का गांव, देखते हैं वीजा पास हो गया तो हर क्लास में एप्लीकेशन देता हूँ मैं, पास करने का काम तो उनका है। तो अनंताचार्य जब उन्होंने देखा ये जो चीटी था उनको दुख हुआ, बोले कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, हर कोई धाम में जाना चाहता है और मैं धाम से इन चींटियों को बाहर लेके आ गया, तो नेता आ गया। आपके फूल भगवान ने स्वीकार कर लिए, रख दीजिए, कभी कभी ये लोग ऐसे माला लेके आते हैं ऐसे लगता है शादी की माला है, इतनी बड़ी बड़ी माला है, वर और वधु, लेकिन मैं अकेला वर हूँ मैं वधु हूँ खुद अपने आप में, और क्लास के बाद बच्चे आते हैं बोलते हमको माला दे, इतना टाइम नहीं हुआ,
हरे कृष्ण। तो यमंताचार्य बड़े दुखी हो गए, बोले अरे ऐसे कैसे इन चींटियों को बाहर लेके आ गया मैं, पश्चाताप करने लगे। बोले धाम से मैं बाहर लेके आ गया, धाम में जितने भी जीव है वो क्या है, भगवान के पूर्व जन्म में बड़ा बड़ा तपस्या करके आज जो भी धाम में जीव है, चाहे वो चींटी हो, चिपकली हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कीड़े मकोड़े कोई भी हो, जो आज धाम में रहते हैं वो सब भगवान के क्या है, पिछले जन्म के अनंत अनंत भक्त है, योगी है, ऋषि मुनि है, जिन्होंने बड़ा तपस्या किया है और भगवान का संग मांगा है, तब उन्हें संग मिला है वृंदावन अयोध्या हर जगह पे। इसलिए धाम में जब भी हम जाते हैं तो अगर आप देखेंगे कुत्ता है यहाँ पे बिल्ली है, उसको देख के गाली गलौज नहीं करना चाहिए, भगवान के पार्षद है वो धाम में। तो अनंताचार्य इस प्रकार बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अपना आगे का यात्रा कैंसिल कर दिया, बोले वापस जाता हूँ मैं। उन चींटियों को लेकर वापस आ गए, भोजन भी नहीं लिया, वापस तिरुपति में आए और वहां उन चींटियों को वापस पुनः अपने जगह छोड़ दिया, तब जाके अपने मन को शांति हुई। भगवान के भक्त इतने सेंसिटिव रहते हैं, एक चींटी के लिए भी इतना सेंसिटिविटी है तो इंसान के लिए कितना सेंसिटिव रहेगा विचार के लिए। आज हमारे लिए चींटी एग्जिस्ट नहीं करती है, कितनी चींटियों को हमने पहले नीचे गुजर दिया होगा संसार में चलते हुए। तो इसीलिए देखिए ये बड़ा विशुद्ध भगवान के भक्तों का चरित्र है, जिस चरित्र में इस प्रकार दिखलाया गया है कि हमें कैसे रहना है भगवान के भक्तों के साथ। जब चींटियों का इतना आदर किया जाता है तो फिर इंसान का कितना आदर करना चाहिए, राइट। और उसी प्रकार एक बार ऐसा हुआ कि अनंताचार्य कुछ कार्य कर रहे थे भगवान का फूल माला बनाने का। उनका कैसा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेश फूल का माला निकाल के भगवान को, फ्रेश फूल निकाल के भगवान को माला बना दिया, ये भी फ्रेश है, सुगंध आ रहा है, जिंदा है अभी तक, दादर से आता है ना, किधर से आता है, दादर मार्केट, दादर में कहाँ से आता है, कहीं कहीं से आता हुआ दूर, नासिक पुणे कहाँ से आता है, तिरुपति में ऐसा नहीं था, फ्रेश पेड़ पे अगर फूल आ गया तुरंत तोड़ो, तुरंत माला बनाओ, भगवान को अर्पित कर दो फ्रेश माला। तो एक बार ऐसे भगवान का माला बना रहे थे और उधर से उनको बुलाया गया मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से कि आपको दूसरा कुछ सेवा है, उस सेवा के लिए आप क्या करो, आ जाओ। और जब उनको ऐसा, अभी जनरली देखिए टेंपल मैनेजमेंट मतलब आप सोचते हैं कि बड़ा है वो, मैं तो टेंपल तो टेंपल नहीं है, कहीं भी किसी व्यवस्थापन में अगर आपके ऊपर के अधिकारी आपको बोले कि मैं बोले हाँ भैया तुम तुरंत आओ। तो अनंताचार्य थोड़े अलग थे, ऐसा नहीं कि वो मतलब ओबीडियंट नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, बोले मैं आता हूँ जब आपको, मैं अपना माला बना रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आया, बोले नहीं अभी आ सकता, मैं माला बना रहा हूँ, बोल दिया ना एक बार। तो ये खबर भगवान श्रीनिवास तक पहुंच गई, जब इन्होंने जाके फूल माला चढ़ा दिया, उसके तत्पश्चात भगवान उनको पूछे, तो भाई उनको बुलाया था अंदर, क्यों नहीं आया, यू नो अगर आपके इस प्रकार के व्यवहार की वजह से अगर हमने आपको तिरुपति से बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे आप, मंदिर से बाहर निकाल दिया तो आपके इस अभद्र व्यवहार के लिए। तो अनंताचार्य भी कम नहीं थे, अनंताचार्य बोले आप मुझे यहां से बाहर निकाल नहीं सकते, भगवान को बोल रहे, भगवान बोले क्यों, क्यों नहीं निकाल सकता, तो आपको पता रहेगी तिरुपति बताने की कथा, तिरुपति एक्चुअली जो पहाड़ है उस पहाड़ पे रहने के लिए भगवान श्रीनिवास वहां पे गए। तो श्री अनंताचार्य बोलते हैं कि आपको बताओ मैं आपकी हिस्ट्री क्या है, बोले आप और मैं हम दोनों इस पहाड़ के ऊपर शरणार्थी है, ये पहाड़ आपका नहीं है, आप भी यहाँ बसने के लिए आए थे, है ना, किसकी तलाश में, वो कथा है बाद में कभी करेंगे हम, लक्ष्मी जी की तलाश में आए थे वहां पे। बोले ये पहाड़ आपका भी नहीं है, आप यहाँ शरणार्थी हैं, मैं भी शरणार्थी हूँ, हो सकता है कि आप थोड़े पहले आए हो, मैं थोड़ा बाद में आया हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि आपका है ये,
तो भगवान चुप। भगवान कुछ नहीं बोले, बोले बात तो सही है। और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए उनके इस विचार से। तो आपको भगवान जानते थे कि ये मेरे लिए माला बना रहे, लेकिन भगवान उस दिन अपने भक्त के साथ प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, आदान प्रदान, इसलिए ऐसा लीला रचा उन्होंने। देखिए भगवान, इसलिए मैंने कहा ना आपको, भगवान का सेवक बनने में ज्यादा आनंद है भगवान बनने से। भगवान का सेवक बनेगी तो क्या होता है, आपका अधिकार भगवान के ऊपर आप जता सकते हैं कि आप मेरे भगवान हैं, जब तक मैं बोलूंगा ना यहाँ से जाओगे नहीं, आप मिलोगे नहीं, यहीं बैठे रहोगे। जैसे मैया यशोदा बोलती है लाला को, लाला चुपचाप बैठे रहे यहाँ तक, अगर हिलेगा उधर हाथ पैर बांध के रख दूंगी। कृष्ण डर जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। इसीलिए भगवान का भक्त बनने में बड़ा सुख है, आनंद है। और जो मूर्खतावश अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं या भगवान बनना चाहते हैं, वो बड़े अभागे हैं, उनको सुख नहीं मिलता, राइट। इस प्रकार अनंताचार्य की अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं, ऐसे अनेक आचार्य हो गए हमारे इस कथाक्रम में। ये एक आचार्य थे अनंताचार्य, जिनकी अद्भुत शुद्ध भक्ति की कथा है। उसके तत्पश्चात इस अध्याय, इस चरित्र का, रामानुजाचार्य का सेकंड लास्ट चैप्टर आता है, कुरेश का सेलिब्रेशन। कुरेश आपको पता है रामानुजाचार्य के निकटवर्ती पार्षद रह चुके हैं, और जिन्होंने अपनी आंखें खो दी थी रामानुजाचार्य को बचाने के लिए। इन कुरेश का भी अंतिम प्रसंग आया है। एक बार ऐसा हुआ कि कुरेश भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए रंगनाथ के मंदिर में गए। भगवान के गुणगान में बहुत सारा स्तुति उन्होंने गाया, और स्तुति करते हुए भगवान को पुकारने लगे। तो भगवान रंगनाथ उनको देखे, और रंगनाथ बोलने लगे कि कुछ मुझसे मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपने इतना सुंदर मेरा स्तुति किया है। इसीलिए देखिए, आप जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो पहले में डायरेक्ट मांगिए मत, पहले कुछ बोलिए भगवान के बारे में, ये विधि होता है। आप इस संसार में भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो आप डायरेक्ट थोड़ी मांगते हैं, आप बोलते हैं आप कितने धनी हैं, आप कितने अच्छे हैं, यू नो, ऐसा नहीं कि वो मतलब आप उनको ऐसा हवा देने के लिए बोलते हैं, नहीं, वो सचमुच आप ऐसा फील करते हैं कि भगवान बड़े हैं। और अनंताचार्य और ये कुरेश जी इसमें भगवान को बड़ा प्रेम से उनको स्तुति कर रहे थे। उस स्तुति में प्रसन्न होकर भगवान बोले मुझे देना है कुछ आपको, लेकिन कुरेश जी बोले नहीं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, जो भी मुझे चाहिए था आज तक संसार में सब कुछ मुझे मिला है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर रंगनाथ वापस बोले कि मैंने फिर भी आप कुछ तो मांगो, कम से कम मेरे प्रेम के खातिर, जो मेरा प्रेम लक्ष्मी के लिए, जो मेरा प्रेम रामानुजाचार्य के लिए, उस प्रेम के खातिर कुछ तो मांगो आप। बोले काश ऐसा मेरे को बोलते ना, बोले यार जबरदस्ती तो कुछ तो ले, आज तक इतने दिन हुए, एक साल दो साल हुआ मैं आता हूँ मंदिर में, कुछ मिला नहीं अभी तक सिवाय झोली माला के। झोली माला का इतना हेवी होता जा रहा है दिन ब दिन, उसका वजन इतना बढ़ गया है, उसके वजन के नीचे में दबते जा रहा हूँ। लग रहा था सोलह माला बहुत आसान होगी, सोलह माला लगता है 1600 माला है, ऐसा लगता है आप लोग, सोलह माला 1600 हो गया है, नहीं लगता है, अच्छी बात है। अगर लगेगा तो जिनको नहीं लगता उनको मिलिएगा, अरे तुम्हारा वजन कैसे कम हो गया माला का, तो बताएंगे कैसे कम होता है, राइट। इसीलिए रोज माला करते रहिए, नहीं करेंगे तो वजन बढ़ते जाएगा। देखिए एक बार आपने हाथ डाला झोली माला में, अभी वापस वो आपके हाथ से छूटेगा नहीं, आपके शरीर का पार्ट हो गया, वो अलग करने का प्रयास किया तुरंत भगवान कुछ ऐसा कर देंगे, फिर मारा और बढ़ा देंगे, और बढ़ाना है 16 से ज्यादा, 16 करना है ना, तो फिर 16 करते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैंटिंग नहीं करोगे तो फिर भाई कोई भी चीज संसार में फ्री में नहीं मिलता है। एक साल से मजा कर रहे हैं ना, तो उसका फीस भी चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाया तो भगवान फिर डबल ट्रिपल बिल भरे, भरने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। ये कुरेश बोले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बोले मुझे देना ही है। तो उस समय जब इतना आग्रह किया भगवान ने, तो उस समय उनके आग्रह पर
कुरे जी बोले, कुरेशी उस समय देखिए ये अंतिम अंतिम फेज है, उस समय कुरेशी कहते हैं कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे क्या कीजिए, इस भौतिक जगत से निकालकर आध्यात्मिक जगत में भेज दीजिए। मतलब बेसिकली उन्होंने कह दिया कि अभी मेरा इस संसार में सेवा, मेरा रोल पूरा हो गया, मैं अभी वापस भगवत धाम जाना चाहता हूँ। जब ये खबर उन्होंने दी तो रंगनाथ इतने प्रसन्न हो गए, बोले आज तक ये वर किसी ने मांगा नहीं, हम में से बहुत सारे लोग भगवान के पास जाते हैं तो ये वर मांगते हैं क्या, भगवान उठा लो मुझे। हम तो उठा लेने का अलग ही मतलब निकालते हैं, एक जीवन में पीड़ा ज्यादा हो जाता है, उठा लो सुख रहता है, ये रखो भगवान उठा मत, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो मेरा टाइम आया है मजा करने का, अभी उठाओगे तो मजा कैसे करोगे, दुख आता है तो उठा ले ऊपर वाले उठा ले, अब तक ऊपर वाले याद नहीं आता है, सब नीचे वाले याद आते हैं, और नीचे वाले कैसे रहते हैं, वो अपना एक दूसरे को बराबर जानते हैं कैसे फायदा उठाना है। तो रंगनाथ जब सुने कि ये बोल रहे हैं मुझे ऊपर लेके चलो भगवत धाम, तो बोले आप क्या, आपसे जो भी जुड़ा हुआ है हर कोई व्यक्ति भगवत धाम आएगा, आप अकेले नहीं आएंगे, आपके साथ जो भी है। आप लोग समझ नहीं आ रहे क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये कितना बड़ा वरदान है मालूम है आपको, हमें नहीं पता चलेगा, हम लोग अभागे हैं, हम लोग भगवत धाम के महत्व तो नहीं जानते, भगवान के धाम में रहना नहीं समझते क्या है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ठीक है गुरु जी जाने जाने दो, हम लोग तो यही रहना है। तुकाराम महाराज को जब भी लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हो, तुकाराम महाराज कहते थे मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, और एक बार अंत में उन्होंने यही कहा, लोग उनसे पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, सचमुच वैकुंठ चले गए, और उनको लेने के लिए गरुड़ वाहन आया, और कोई इतिहास की मनगढ़ंत कथा नहीं है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के साथ। आज अगर आप देहू जाएंगे तो वहां वो जगह है जहां पे गरुड़ वाहन आया और वहां से तुकाराम महाराज को लेके गया, राइट। तो ये जो भगवान रंगनाथ थे, रंगनाथ बोले आप क्या, आपके साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। जब ये खबर रामानुजाचार्य तक पहुंच गई कि कुरेश ने ऐसा वरदान मांगी है, भगवत धाम जाना चाहता है वो, और उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, तो रामानुजाचार्य ने अपना उत्तरी का दुपट्टा रहता ना वो निकाला और घुमा घुमा के नाचने लगे, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोले मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया, मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। अब रामानुजाचार्य क्यों खुश हो गए बताइए, रामानुजाचार्य सोचने लगे अगर देखिए कितनी बड़ी महानता है आचार्य की, रामानुजाचार्य पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए उतरे यहाँ पे, और वो सोच रहे हैं कि मेरा शिष्य जब भगवत धाम जाएगा और रंगनाथ ने उसका आशीर्वाद दिया है कि आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, ये सोच के खुश हो गए कि मैं भी जाऊंगा, मेरा भी टिकट कट गया। जबकि कहानी उल्टी है, रामानुजाचार्य उन्होंने सबका उद्धार किया, यही तो फर्क होता है, और यही तो भगवान के भक्तों की महानता है, यही तो हमें सीखना है। भगवान के भक्तों के अलावा और कोई आश्रय नहीं है, ये दिखाना चाहते रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य सारे संसार को भगवत धाम लेके जा रहे हैं, और ये एक चीज से इतना खुश हो गए, नाचने लगे, मैं भी जाऊंगा, मेरा आज भाग्य का उदय हो गया। श्रील प्रभुपाद अगर आप देखे होंगे ध्रुव महाराज के चरित्र में जो शुरुआत में लिया था, ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे वैकुंठ वाहन में, तो थोड़े से व्याकुल हो गए, तो उनके मन में आया कि अरे मैं अकेले भगवत धाम जा रहा हूँ, मेरी माँ जिसने मुझे ये मार्ग दिखाया भगवान नारायण की भक्ति का, वो किधर है। तो उस समय जो विष्णुदूत थे उनके साथ वैकुंठ वाहन में, वो बोले कि उस तरफ देखो ध्रुव, देखा तो उस तरफ आगे और प्लेन जा रहा था, उसमें उनकी मम्मी बैठी थी, बोले आपसे पहले मम्मी जा रही है, चिंता मत करो आप, है ना। इसलिए याद विचार कीजिए कि भगवान के भक्ति और उसका प्रचार करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए नहीं कि भगवत धाम तो हम जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अंतिम में कि इस गीता का संदेश जो पूरे विश्व को देता है वो मेरे लिए बहुत प्रिय व्यक्ति है, इससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई हो नहीं सकता कभी, ना कभी था ना कभी होगा।
इसलिए भगवान के संदेश का जब हम प्रचार करते हैं इसी प्रकार से, जरूरी नहीं कि हम हजार लोगों को बैठ के लेक्चर दें, आप अपने घर में आसपास परिवार में जिसको भी आप एक चैंटिंग माला करने के भी सिखाते हैं आप प्रचार कर रहे हैं और भगवान आपको फिर अपने गले से लगाकर प्रिय बना देते हैं आप उनका। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य के परपर में लिखते थे कि कभी अगर मेरा भी ऐसा शिष्य हो गया ध्रुव जैसा तो मैं भी अनायास भगवत धाम चले जाऊंगा। प्रभुपाद कहते थे ऐसा, तो परपोर्ट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है पूरा। ये होते हैं आचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य जैसे और श्रील प्रभुपाद जैसे, कि जो विचार करते हैं कि मेरा शिष्य अगर भगवत धाम जाएगा तो मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। कितनी महानता विचार कीजिए, ऐसा भाव हमारे अंदर आ सकता है कभी? कभी आएगा ऐसा भाव? लेकिन लाना है हमें भाव, कि अगर हम आज किसी एक महान भक्त से जुड़े हुए हैं तो उस कनेक्शन से ही हमको हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस संसार में आप लोग बड़े बड़े कॉन्टेक्ट लगाते, कहीं नौकरी करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं कुछ भी चीज के लिए कॉन्टेक्ट लगता है ना, तो आप कहते हैं कि मेरा कॉन्टेक्ट है, बड़ा कॉन्टेक्ट है, वो एक फोन मार दिया मेरा काम हो जाएगा। उसी प्रकार इस मामले में भी यही चीज है, आप एक कॉन्टेक्ट लगाइए आपका काम हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में भी, वो मैं भूल गया नाम क्या था उनका, रामचंद्र कविराज कोई तो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु उनसे वार्तालाप कर रहे थे उस भक्त से एक बार बंगाल की यात्रा में, और महाप्रभु कहे कि ये जो भक्त है ना ये मुझे इतना प्रिय है कि इसके गांव में जो कुत्ता है ना वो भी मुझे प्रिय है। कोई ऐसा कहेगा क्या? आप किसी के गांव में जाते हैं बोलते हैं ये गांव का कुत्ता मेरा बहुत दोस्त है, बढ़िया है? नहीं बोलते ना, गांव का कुत्ता क्या है यार, लोगों से दो तीन लोग मेरे कॉन्टेक्ट वाले, बस मेरा उनसे कनेक्शन है। महाप्रभु बोलते हैं कि इस गांव में जो कुत्ता है ना वो भी मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते का कनेक्शन ये भक्त से है और वो भक्त उस गांव का है। लीजिए अब कृपा की और सीमा क्या हो सकती है, उसका कोई छोड़ भी नहीं है, इतना कृपा बरस बरस कर महाप्रभु देना चाहते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि भक्तों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, मुझे भक्तों के संग मुझे रहना है, मैं अकेले, मैं और भगवान, ऐसा कभी नहीं होगा। आप और भगवान एक साथ नहीं रह सकते, आपको भक्तों की आवश्यकता है। नहीं तो आप अकेले भगवान के साथ रहे तो क्या करेंगे आप, भगवान का अपराध कर देंगे, नहीं समझ पाएंगे भगवान को आप। इसलिए हमें निरंतर भगवान के भक्तों की संग की जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार कुरेश जी ने जो वरदान मांगा जो बड़े प्रसन्न हो गए, रामानुजाचार्य एक तरह से बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत उनके मन में बड़ा दुख हुआ, दुखी हुए। क्यों दुखी हुए बताइए? खुश हो गए इसलिए कि भगवत धाम जाऊंगा, दुखी क्यों हो गए? क्यों दुखी हो गए? सुखी क्यों हो गए वो तो उत्तर दिया आपने, अभी दुखी क्यों हो गए वो उत्तर दीजिए। क्यों आप लोग डरिए मत, आपकी कोई एग्जाम नहीं हो रही है, आज तक तो मैंने कोई एग्जाम लिया ही नहीं है, सोच रहा हूँ एग्जाम लिया जाए अभी आप लोगों का। बुलाव नहीं है? किसके लिए बुलाव नहीं है? अच्छा रावण चले, ओके ऐसा भी हो सकता है। और पीछे वाले लोग हैं हमारे साथ कि दीवार के अंदर घुस गए क्या वैकुंठ में? ओके ये भी है, अलग अलग भाव है भक्तों भक्तों का साथ चुन जाएगा। देखिए हम लोग जब भी किसी वैष्णव का तिरोभाव होता है तो हम लोग दो कारणों के लिए दुखी होते हैं, सॉरी दो कारण होते हैं जिससे हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं। एक कारण तो है कि वो भगवत धाम जा रहे तो बड़ा खुशी होता है कि भगवान के धाम में जा रहे वाह, लेकिन दुख भी होता है कि उसका और मेरा संग छूट गया, अभी अभी जो मार्गदर्शन मुझे यहाँ मिल रहा था, जो संग मुझे मिल रहा था, वो क्या हो गया, अभी समाप्त हो गया, राइट। इसलिए रामानुजाचार्य बड़े दुखी हो गए और उन्होंने कुरेश को बुलाया, इधर आइए।
बोले आपने इस तरह से भगवान से वरदान मांगा, आपका इरादा क्या है? बोले आप मुझसे पहले जाना चाहते हैं, भगवत धाम मेरे से पहले जाना चाहते हैं आप? डांटने लगे उनको, ऐसे कैसे वरदान मांग लिया आपने, मैं आपका गुरु हूं। अभी एक्चुअली रामाचार्य कभी ऐसा बोलते नहीं थे कि मैं गुरु हूं, लेकिन इस समय प्रेम में आकर बोले मैं आपका गुरु हूं, मुझसे बिना पूछे आपने यहां से जाने का निर्णय कैसे ले लिया? क्या समझ कर रखा आपने अपने आप? क्योंकि रामाचार्य को विरह होने लगा था उनसे, इसे प्रेम कलर कहते हैं। तो विरह अभी उनको पता था कि अभी जाने वाले छूटने वाले हैं। देखिए इसलिए हमारे साथ जो भगत रहते हैं उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप सोचते हैं कि एक भक्त मेरे पास बैठा है, क्या करेगा ये, बाहर में जाए ये भक्त, ऐसा बोलते हैं हम लोग कभी भी नहीं बोलते। लेकिन कभी अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो बोलिएगा मत, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है संसार में। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी भक्त हमारे साथ आज है, उसका कभी कुछ सेवा चेंज हो गया या समझो वो एक शहर से दूसरे शहर चले गया, आपका सब छूट गया। इसलिए जब तक हमारे आसपास है तब तक उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उसका अच्छा संग लीजिए, क्योंकि उसका संग हमारा संग कब छूटेगा आपको पता नहीं है। फिर आपको पता चलता है अरे यार इतना अच्छा डिवोटी था यार, मुझे चैंटिंग के लिए मदद करता था, भगवान के बारे में बताता था, कुछ समस्या आई तो मुझे मार्गदर्शन देता था, आज वो भगत नहीं है। जब था तो उसको वैल्यू नहीं दिया, उसके जाने के बाद अभी दुख हो रहे हैं। इसलिए सारे संसार में भगवान के भक्तों के अलावा और कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं। यहां तक कि भगवान के पास भी अगर पहुंचना है, भगवान का नाम जब भी करना है, तभी भी भगवान के भक्तों के अलावा और कोई हमारे लिए माध्यम है ही नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कर लूंगा अकेला, वो व्यक्ति क्या है, बड़े खतरे में है, उसकी नैया डूब सकती है इस गहरे भाव सागर में। क्योंकि इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक भक्तों का अपराध कर रहे हैं, दूसरी चीज उसको लगता है कि मैं अकेला तर लूंगा। अकेले नहीं तर सकते हम लोग संसार के इस भाव सागर से। और कलयुग में ऐसा स्थिति है जैसे पानी का बहाव ऐसा जा रहा है और 99.99% लोग उसी बहाव में जा रहे हैं, उसमें से कुछ गिनी चुनी मछलियां इस क्लास में आ जाइए यहाँ पे, वो पानी के बहाव के विरुद्ध तैरने का कोशिश कर रही है, थोड़ा सा अपोजिट में। तो कितना बड़ा संघर्ष है, सारा पानी का बहाव उधर जा रहा है, फिर चार मछलियां कोशिश करते हैं चलो हम लोग हाथ पकड़ते हैं आगे चलते हैं, चल पाएंगे वो लोग, हाथ छोड़ दिया तो अकेले हो गए तो सब डूब जाओ, फिर आप भी डूब गए वो भी डूब गए सब डूब गए। इसलिए भक्तों का संग बड़ा ही दुर्लभ, पूरे संसार में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति अगर कोई है तो वो है जिसके पास भक्तों का अच्छा संग और दोस्ती है। तो आप में से कितने लोग धनवान है, कितने लोग धनवान है, हाथ ऊपर कीजिए, पक्का इस धनवान इस धन दौलत की परीक्षा होगी जब कठिन समय आएगा दो भक्तों के बीच में, जब मतभेद होगा, जब लड़ाई झगड़ा होगा, उस समय परीक्षा होगी, उस समय आपका बड़ा कठिन एग्जाम होगा। और उस एग्जाम में वही पास हो सकता है, कौन पास, इस एग्जाम में कौन पास हो सकता है, कौन पास होगा इस एग्जाम को, सब पास हो जाएंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग फेल होते रहते हैं। अच्छा पास हो जाएंगे सचमुच ऐसे पास हो जाएंगे। अगर बच्चे जैसे हमारे अंदर इनोसेंस है, इनोसेंस मतलब कोई भी डुप्लीसिटी नहीं है, मेरे मन के अंदर कुछ भी भाव नहीं है कि मैं इस भगत का कैसे फायदा उठा, कुछ फायदा नहीं उठाना है हमको, ये नहीं सोच रहा है कि ये भक्त से कॉन्टेक्ट करो ना तो फिर प्रसाद के लाइन जल्दी इंटरव्यू जाता है, अच्छा इससे कॉन्टेक्ट करो ना थोड़ा यात्रा में अपने को आगे वाला सीट मिलेगा बस के अंदर, अच्छा इससे कॉन्टेक्ट करो ना तो रिफंड जल्दी मिल जाता है नहीं तो रिफंड बहुत लेट होता है यार, किधर हमारे शकुंतला स्वामी माता जी आई नहीं हो, अच्छा रिफंड मिलने के बाद आई नहीं एक बार भी, ठीक है वो तबियत ठीक है उनकी बोली
ऐसा नहीं, ऐसे भक्ति मत, दोस्ती मत कीजिए किसी हेतु के साथ। दोस्ती किस लिए करना है, ये प्रभु या फिर ये माता, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। बाकी किसी कारण के लिए अगर दोस्ती करेंगे हो सकता है उचित मिल जाए, लेकिन जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो उस समय रामानुजाचार्य जब बोले पुरेश को, मेरे को बिना पूछे इस तरह से, बिना गुरु की परमिशन दिए ऐसे कैसे आपने भगवान को बोल दिया कि मुझे ऊपर लेके चलो, है ना। तो उस समय पुरेश ने क्या जवाब दिया देखिए। इसीलिए जो चरित्र है ना, ये पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। वापस एक दो साल के बाद इसको वापस हम लेंगे। मैं तो अब तक 5-6 बार पढ़ चुका हूँ। जितनी बार भी पढ़ता हूँ उतनी बार लगता है कि पढ़ाई नहीं। और कलयुग में क्या है, मेमोरी भी कम रहता है। अभी तुकाराम महाराज की कथा वापस चालू करो ना, बोलेंगे वाह वाह वापस सुनाओ स्टोरी, जितना सुना था सब भूल गए। अच्छा है, एक तरह से अच्छा है कि पुनः पुनः सुनने की उत्कंठा रहेगी। अगर वो याद रहता तो बोलते हैं हाँ हमको याद है, दूसरी सुनाओ कोई कथा। लेकिन वही कथा सुननी है हमें, कि वही वास्तविक कथा है, राइट। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नया चीज सुनते जाऊँ। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब वही चीज पुनः पुनः करनी है, वही महामंत्र चुंगम की तरफ चबाते रहना है, वही डीटी दर्शन भगवान उसी को देखते रहना है, वही भगत उन्हीं के साथ रहना है। प्रसाद थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। आज प्रभु कुछ तो लेके आए हैं, रसगुल्ला और कलकत्ता वाला, वो भी बंगाल वाला हमारे प्रभु स्पॉन्सर करके लाए हैं। और पता नहीं बाकी क्या है अंदर, वो देखा नहीं मैंने, जो भी ये प्रसाद है, ठीक है। तो जब ऐसा उन्होंने पूछा कुरेश को, तो कुरेश बोलने लगे कि अच्छा मैंने सुना है हमारे पूर्व आचार्यों से कि भगवत धाम में जो भी जाता है, भगवत धाम में उसको वेलकम करने के लिए जो वहां भक्त रहते हैं ना, हमसे पहले जो जा चुके हैं वहां पे, वो वैकुंठ के गेट में आते फूल माला लेकर कि अरे हमने जिसको प्रचार कर रहे थे हमारा डिवोटी आ गया, बड़ा संघर्ष किया उसने माया के साथ, कितने मार खाया, कितना क्या किया उसने, आखिर वो संघर्ष जीत कर भगवत धाम वापस आ रहा है, तो उसको फूल माला वेलकम करने के लिए आते हैं भक्त वैकुंठ के गेट पर। तो ये तो हमने सुना है हर जगह पे, लेकिन कुरेश ऐसे भगत हैं, इन्होंने ऐसा जवाब दिया और जो इतिहास में कभी लिखा नहीं होगा। इसलिए ये लोग इतने विशेष हैं कि कुरेश कहने लगे देखो कभी भी जूनियर को सीनियर का वेलकम करना चाहिए या सीनियर को जूनियर का वेलकम करना चाहिए? हाँ, जो मुझसे छोटा है वो ना तैयार रहेगा गेट पे, क्या रे मेरे गुरु जी आ गए फूल माला चढ़ा, कि गुरु जी जाएंगे फूल माला चढ़ाने के लिए, तेरा मेरा बच्चा आया वेलकम करते। लेकिन ऐसा नहीं ना, फूल माला बैंड बाजे के साथ। तो कुरेज बोलने लगे मैं पहले जाऊंगा, मैं जूनियर हूं और आप मेरे सीनियर है, मेरे गुरु है, मैं आपको वेलकम करूंगा उधर। जब पहले मैं जाऊंगा तो मैं वहां खड़ा रहूंगा गेट पे, और बाद में तो आएंगे पीछे से, तो मैं आपके स्वागत करने के देखिए मतलब सेवा का अंत नहीं है। वहां जाने के बाद भी सेवा कंटिन्यू है, खत्म नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं यार चलो हो गया यात्रा खत्म, मेरी सेवा खत्म, टिकट काटने का मेरा सेवा खत्म, बस कोऑर्डिनेशन प्रसाद अभी मुक्त, कब छुट्टी आ यार ये मेरा सर बहुत मतलब सर मेरा हल्का ही है, बड़ा टेंशन था मुझे। अब यहाँ पे आचार्य बोल रहे कि मैं ऊपर जाने के बाद भी सेवा करना चाहता हूँ, यानी कि इन्होंने समझा है कि सेवा क्या है, हमारा जीवन है, सेवा ही हमारा प्राण है, राइट। और भक्तों के संग में सेवा करने का तो क्या आनंद है, वो आनंद त्रिभुवन में नहीं मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद गोलोक से उतर कर नीचे आते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे आके सेवा करते हैं अर्जुन की, है ना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान, अर्जुन का रथ चला रहे हैं सारथी बनकर। ये तो कुछ नहीं, जो घोड़े लगे हुए रथ के ऊपर उन घोड़ों को भी मसाज करना, उनको पानी पिलाना, घास लगाना काम कर रहे हैं। मतलब सेवकों के सेवकों का सेवक, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, है ना। और उसमें उनको इतना आनंद आ रहा है भगवान को कि उपोष छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए अनादि काल के लिए उनका एक लोक है पार्थ सारथी करके, एक अलग ही वैकुंठ प्लेनेट है जिसमें भीष्म देव रहते हैं,
उसका नाम है पार्थ सारथी, है ना, उस नाम से ही प्लैनेट बन गया है, पार्थ के सारथी, है ना। देखो भगवान के सारे नाम भक्तों से जुड़े हुए हैं, राधा गोपीनाथ राधारायण से जुड़ा हुआ है, राइट, पार्थ सारथी अर्जुन से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, सीताराम सीता से जुड़ा हुआ है। भगवान के भक्तों के बगैर भगवान अधूरे हैं, इन द सेंस वो कंप्लीट है, लेकिन भगवान फिर भी कहते नहीं मैं अधूरा हूं, मेरे भक्तों के बिना मैं पूर्ण नहीं हूं, राइट। तो इस तरह से कुरेश बोलते हैं कि मैं वेलकम करूंगा ना आपको, आप वहां पे आएंगे, है ना, तो कोई होना चाहिए ना, और मैं तो आपसे जूनियर तो मैं पहले रहूंगा वहां पे, मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगा कि आप मेरा सीनियर, आप मुझे अगर समझो रामानुजन पहले चले गए तो फिर बाद में कुरेश आएंगे तो रामानुजन वेलकम करेंगे ना, तो कुरेश कहते कि नहीं मैं रहूंगा वहां पे पहले आपको वेलकम करने के लिए। तो रामानुजन कहते हैं अरे कुरेश, ये सारे डेजिग्नेशन, ये सारे हायरार्की, ये सारे पोस्ट पोजिशन इस दुनिया में होते हैं, वैकुंठ में जाने के बाद कोई पोस्ट नहीं रहता है, सब समान हो जाते हैं सारे भक्त, वैकुंठ में ऐसा सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, सारे भगत भगवान के। ऐसा करके रामानुजन सिद्धांत समझाने लगे, कुरेश बोले नहीं नहीं मैं पहले जाऊंगा और आपको वेलकम करूंगा, तो रामानुजन अग्री हो गए। और एक्चुअली रामानुजन एक तो उनको खुशी है कि कुरेश भगवत धाम जा रहे हैं, लेकिन विरह का भी दुख है ना, तो रामानुजन स्वयं भगवान रंगनाथ के पास जाते हैं और रंगनाथ को बोलते हैं कि रंगनाथ आपने कुरेश को तो एंट्री दे दिया, मुझे भी दे दो एंट्री, है ना। ऐसा करके उनको बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरेश को या तो रुका दो, फिर ऐसा से प्रार्थना करते रंगनाथ से, उस समय है ना उनको मन में ऐसा आता है कि अरे भगवान को कैसे बोल सकता हूँ मैं, भगवान को कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ कि कुरेश को मत लेके जाओ अभी, इन्होंने भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा से अभी उनको जाना है, उनकी आगे की सेवा के लिए, तो मैं रोक नहीं सकता। इस प्रकार रामानुजाचार्य उनको वहीं पे छोड़ देते हैं और विचार करते हैं कि कितने भाग्यशाली है, और कुरेश को लेकर भगवान रंगनाथ के पास आते हैं, भगवान से उनको तीर्थ प्रसाद चढ़ा दिलाते हैं और फिर अपने मठ की तरफ जाते हैं आश्रम में। उसके तत्पश्चात कुरेश अपनी पत्नी और बच्चों से मिलते हैं और पत्नी से मिलकर कहते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो पत्नी कहती है जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मुझे कोई अलग इच्छा नहीं है, है ना। तो उस समय कुरेश अपनी पत्नी को मार्गदर्शन देते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे रहो और इन बच्चों का ठीक से मार्गदर्शन करो आगे जाकर, क्योंकि ये जो उनके जो बालक थे भट्ट राय पराशर भट्ट, दो बालक हमने देखे थे, यही दो बालक आगे जाकर रामानुजाचार्य के सक्सेसर बनेंगे। और फिर अपने बच्चों से मिलते हैं, कहते हैं कि देखो आप बिल्कुल दुखी मत होना, है ना, बच्चे रो रहे थे, पता चला था कि पिता छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे रोने लगे, तो उस समय कुरेश बोलते हैं कि रो मत, आपके माता लक्ष्मी जी है और पिता स्वयं रंगनाथ है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, है ना, और इस प्रकार से दुखी मत हो, आप यहाँ पे क्या करो, सेवा करो भगवान की। और भविष्य में क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग एक बड़े पिक्चर को देखना जरूरी है हमको, हम सबको, हम सबके अपने अपने रोल है, और जिसका जो रोल पूरा हो गया तो उसको आगे की यात्रा के लिए निकलना पड़ता है। इस संसार में भी हम घर में रहते हैं, पत्नी पत्नी है, बच्चे हैं, संसार परिवार है, हम सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, जब हमारा अपना उचित समय आएगा तो हमें आगे प्रस्थान करना ही पड़ता है, उसको हम रोक नहीं सकते। इसीलिए जब तक हम हैं तब तक उस संघ का सही सही उपयोग हमें करना चाहिए, सही सही तरह से रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वो आ गया समय तो फिर आ गया, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य सॉरी कुरेश अपने पत्नी और बच्चों को समझाते हैं कि इस प्रकार इन सांसारिक कमजोरियों से दुखी मत हो कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मैं कहीं मैं कहा जा रहा हूं, भगवान के पास जा रहा हूं ना सेवा करने के लिए, और आप भी यहाँ पे सेवा करोगे। प्रभुपाद ऐसा कहा करते थे कि आप अमेरिका में रहोगे और मैं लंदन में रहूंगा, आप बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और मैं भी हरे कृष्णा बोलूंगा, तो हम दूसरे से कनेक्ट हो गए ना दूसरे से, ये अलग प्रकार का वाईफाई है, स्पिरिचुअल लेवल पे चलता है वो, बोले हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, आप भी भगवान का नाम लेंगे मैं भी लूंगा, हम जुड़े रहेंगे, कहां अलग हुए, नहीं हुए ना। इस प्रकार कुरेश उनको समझाते हैं और कुरेश फिर अपने पत्नी बच्चे और सारे भक्तों के
संग में श्रीपाद रामानुचार्य के चरणों को अपने हृदय में रखते हुए ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए रंगनाथ का अंतिम सांस लेते हैं और इस संसार से विदा लेते हैं। और ऐसे एक महान आचार्य जिन्होंने अपने जीवन शुरुआत से, आपने देखा होगा पूरा गांव में से आए थे, वो उनके गेट का दरवाजा का आवाज लक्ष्मी जी के कान में गया था, क्या आपको कथा वहीं से उनकी कथा स्टार्ट हुई थी। और इतना कई वर्षों का निस्वार्थ भाव से सेवा दिया, अपने शरीर को देखा नहीं, उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी और भगवान के पास गए तो भी बोला नहीं मुझे कुछ चाहिए। ऐसे आचार्य है, इनका इतना बड़ा सुंदर आदर्श और कथा है, इस तरह से इस दुनिया से चल बसे और भगवान के धाम में जाकर उनका सेवा करने के लग गए। इसके प्रकार इस अध्याय का अंतिम चैप्टर आता है रामानुचार्य का, ये भी अभी यहां निकल जाएंगे इस भगवत दुनिया से। तो उसके तत्पश्चात बड़ा शोक हुआ सब भक्तों को। रामानुचार्य उस समय फिर जो उनके पुत्र थे भट्टाराय, पराशर भट्ट और दो पुत्र, इनको भगवान रंगनाथ के गर्भगृह में लेके गए, भगवान के सामने रखा और भगवान ने कहा कि अभी यही आपके आने वाले आचार्य हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे परमिशन दीजिए। तो भगवान ने तथास्तु कहा, उनको तीर्थ प्रसाद दिलाया और उनको फिर जो दूसरे आचार्य थे रामानुचार्य के संप्रदाय में, मतलब मठ में, उनके अधीन दिया और कहा कि इनको शिक्षा दीजिए, समझाइए पूरा मठ का व्यवस्थापन कैसे करना है, किस प्रकार प्रचार करना है, शिक्षा सब कुछ दिलाने के लिए उनको आगे सौंप दिया। और इस तरफ श्री पेरंबदूर करके जो जन्मस्थान था रामानुचार्य का, श्री पेरंबदूर, वहां पर इनके एक भक्त थे दाशरथ जी के पुत्र थे, इन्होंने रामानुचार्य कहा कि हम आपका अर्च विग्रह श्री पेरंबदूर में स्थापित करना चाहते हैं ताकि भविष्य में जो भी भक्त आए वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर सके और आपका आशीर्वाद ले सके। जैसे प्रभुपाद के अर्च विग्रह हमारे इस्कॉन मंदिर में ऐसा अर्च विग्रह बनाने का उन्होंने प्रयास किया। तो रामानुचार्य बोले ठीक है, उन्होंने अर्च विग्रह बनाने का परमिशन दिया और जब अर्च विग्रह बन के रेडी हो गया श्री पेरंबदूर तमिलनाडु में है रामानुचार्य का जन्मस्थान, फिर रामानुचार्य को बुलाया गया। रामानुचार्य ने जो उनका अर्च विग्रह था उस डीटी को ठीक से देखा और उस डीटी को एम्ब्रेस किया और अपना प्राण उसमें दे दिया और फिर वहां से वापस रंगनाथ आ गए। उसके तत्पश्चात कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के समाप्ति के बाद रामानुचार्य एक दिन बीमार गिर गए, अचानक बीमार हो गए। तो उनके बीमारी की वजह से उनके सारे उधर के काम ठप हो गए और उस समय रामानुचार्य को इंडिकेशन आया कि हाँ अभी मैं बीमार इसलिए गिर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ से विदाई लेने का समय आ चुका है और मेरा जो अर्च विग्रह था उसी समय उनका अर्च विग्रह का इंस्टॉलेशन वहां पे हुआ श्री पेरंबदूर में, उसी समय वो बीमार गिर गए। उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्य को एकत्रित किया और सारे शिष्य को एकत्रित करके उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन देना चालू किया। सबसे पहले ये आचार्य ऐसे रहते हैं कि कभी भी देखिए प्रभुपाद का जीवन देखेंगे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कोई भी आचार्य इस संसार में जाने के पहले अपने शिष्य को ऐसे मूल्यवान मार्गदर्शन देकर छोड़ दें जिससे वो अपने रास्ते पे चल सके और जो भी भगत उन अंतिम सूचनाओं को अपने जीवन का प्राण बना लेता है वो सक्सेसफुल होता है भक्ति में। खास करके जो लास्ट में दिए हुए इंस्ट्रक्शन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत उद्धव ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, वो यहाँ से जाने के पहले बिल बजा रहे हैं टाइम हो गया आप लोग हैं मेरे साथ, जैसे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे वो इस संसार से जाने के पहले अपने शिष्य को बोल के गए कि आप लोग क्या करो मिलजुल के संस्था को चलाओ। 12 लोगों का उन्होंने कमेटी बनाया था गवर्नमेंट बॉडी कमीशन, लेकिन प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके जाने के बाद ये सारे शिष्य क्या हो गए लड़ बैठे आपस में, ये मठ का मैं आचार्य हूँ, ये मठ का मैं आचार्य हूँ, इस प्रकार पूरा मिशन स्पॉइल हो गया खराब हो गया। लेकिन प्रभुपाद तो अलग रहते थे उस समय मठ में नहीं थे, फिर प्रभुपाद उन्होंने मिशन को अपने हाथ में लिया और उनको आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कि आप क्या करो जब भी थोड़ा समय मिलेगा धन मिलेगा तो अंग्रेजी में प्रचार करो पुस्तकें लिखो। इस प्रकार उन्होंने अलग से इस्कॉन बना गया जिसको स्थापित हुआ। अगर वो एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किया होता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तो आज चैतन्य महाप्रभु का मिशन कई गुना बड़ा होता, कई गुना, राइट? तो आपको जितना प्रभुपाद कर सके उन्होंने किया परमेश्वर ने और
काफी किया बहुत है ना। प्रभुपाद जी जब इस दुनिया से गए तो प्रभुपाद ने एक चीज कहा अपने भक्तों से कि आप सबका प्रेम मुझसे इस चीज से प्रदर्शित होगा कि आप आपस में कैसे मिलजुल कर रहते हैं। ये चीज प्रभुपाद ने लास्ट में कह के गए, यू विल शो योर लव टू मी बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप अगर एक साथ मिलजुल के रहते हो तो वही आपका प्रेम मेरे लिए दिखाता है, नहीं तो आप मुझसे प्रेम करते ही नहीं। क्योंकि प्रभुपाद को पता था कलयुग है, कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भक्तों में एकता है ना। ये मेरा ग्रुप है, ये तेरा ग्रुप है, मैं उसका काउंसलिंग हूं, मैं तेरा काउंसलिंग नहीं हूं। अच्छा, फिर उसके अंदर भी अपने अपने ग्रुपिज्म चलते हैं, ग्रुप के अंदर भी। अच्छा, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है। तो ये सब चीज नहीं करना है हमको। हम सारा एक ठीक है, अपने अपने चॉइस के अनुसार एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सेवा आएगी तो हम साथ में, ये नहीं बोलना है कि ये मेरा ग्रुप है भाई, ये मेरा ग्रुप है, हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। हम सब लोग मिलजुल के रहना है और संस्था को आगे बढ़ाना है। तो वही इंस्ट्रक्शन देने के लिए श्रीपाद रामानुचार्य इन्होंने अपने भक्तों को पास में बुलाया और उन्हें तीन चीजें कही। आप सब लोग मेरे साथ हैं, हरि बोल। खंभे के पीछे कोई है, खंभे से बाहर निकल जाओ, 15 मिनट के बाद खंभे के अंदर परमानेंटली घुस जाना। हिरण्यकश्यप बन जाना बोल रहे हैं नरसिंह देव। तो इन्होंने कहा, रामानुजन ने कहा, देखो इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं, there are three types of people in this world। कहते हैं कि पहले इस God word मतलब एक पुराना इंग्लिश है, मजा आता पढ़ने में, अलग ही फ्लेवर है उसका। बोले कि अनुकूल मतलब बेसिकली भक्त। पहली कैटेगरी संसार में भगवान के भक्त जो कि बड़ी दुर्लभ है। उन्होंने कहा दूसरी कैटेगरी है गॉड अगेंस्ट, पुराना इंग्लिश है ना तो एकदम टिपिकल है, गॉड अगेंस्ट मतलब अभक्त जो भगवान के विरुद्ध होते हैं। बराबर, दो कैटेगरी है संसार में। पहली कैटेगरी कौन सी है? भक्त। दूसरे कौन है? अभक्त यानी कि नास्तिक। फिर बोले तीसरी पर्सनैलिटी है। अच्छा, इसके अलावा आपको उन्हें बताइए, एक तो भक्त है, दूसरा अभक्त है, तीसरा कौन है? दोनों है, हो गए ना, नास्तिक हो गए, एक हो गया आस्तिक, हो गया नास्तिक, और कौन है? हाँ, मिक्स खिचड़ी, थोड़ा भक्त थोड़ा अभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अलाराम था जो लोग थक गए हैं बेचारे, संडे की संध्या को हम लोग आए हैं, पूरे हफ्ते का थकान है और कल का सुबह का सोचकर और थकान बढ़ रहा है, ऑफिस जाना है, बच्चों को लेके जाना है स्कूल में, पेरेंट मीटिंग है। पेरेंट मीटिंग होता है आप लोग क्या करते हो उस मीटिंग में आप लोग? हमारा तो जिंदगी में कोई पेरेंट मीटिंग नहीं हुआ, हम जो स्कूल में थे हम लोग मीटिंग आपस में कर रहे थे, बच्चे बच्चे को भी नहीं, सचमुच बता देगा आपका टाइम पेरेंट मीटिंग ये आजकल क्या है पेरेंट मीटिंग क्या होता है उसमें? अच्छा, बच्चों का आपके बच्चा आप कितना बदमाश है आपका, कितनी लीलाएं करता है वो, एक घंटा सुन के आने का चुपचाप, बड़ा नसीबवान है हम लोग सुनते रहिए। और बच्चा क्या करता, बच्चा भी साथ में रहता है नहीं? ये कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है कि सरकारी स्कूल में? सरकारी में भी होता है, कंपलसरी हो गया है ZP में भी, जिला परिषद वाला स्कूल में। ठीक है, ये ब्रेक था, ठीक है, ब्रेक पूरा हो गया। ब्रेक आते हैं आप लोग उत्साह में आ जाते हैं कि अभी कौन सी कथा होने वाली है। 10 मिनट है हमारे पास, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ, दो हो गए, तीसरा और रहता है, उसको कहते हैं बेसिकली इनडिफरेंट टू गॉड। उसको लेना देना नहीं भगवान से कुछ भी, ना तो भगवान को मतलब भगवान है या नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हो भी सकते हैं क्या पता, नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
ये तीसरा व्यक्ति उसको कहते हैं कर्मी, भक्त रहता है, अभक्त रहता है और संसारिक व्यक्ति जिसको कुछ लेना देना नहीं है। अरे मंदिर कितना भी नजदीक पास में हो, हम मंदिर में नहीं जाएंगे भाई, हमें क्यों लेना देना नहीं। मंदिर के पास कितने लोग रहते हैं, ये सामने बिल्डिंग देखते हैं आप, कितने फ्लैट रहेंगे उस बिल्डिंग में, एक पूरा गाँव है वो और एक फ्लैट बिल्डिंग है यहाँ पे और एक दूसरा गाँव है पीछे और एक गाँव है उधर एक गाँव है, पूरा गाँव ही गाँव भरे हुए यहाँ पे बड़े बड़े, कितने लोग आते हैं भाई गिने चुने हमको। अच्छा आप उसको सुनने रहा होगा तो सुनेगा तो मैं बुलाऊंगा उनको, हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप आओ नहीं आओ। तो ऐसे तीन कैटेगरी के लोग संसार में रहते हैं रामानुजाचार्य कह रहे हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं तीनों के साथ अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। वो कहते हैं यू नो द फर्स्ट टाइप आर द थ्री वैष्णवाज, पहले क्या है भगवान के भक्त है राइट। और कहते हैं इफ यू मीट मेन विद द फर्स्ट क्लास, अगर आप ये फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को मिलोगे मतलब ये पहले लोगों को भक्तों को, तो ऐसा समझना चाहिए हमको, ऐसा आनंद होना चाहिए जैसे आपको बड़े बड़े सुंदर हीरे मोती रत्न फूल यू नो और ऐसा बड़ा धन मिल गया आपको, ऐसा हमें यू नो मन में व्यवहार होना चाहिए। भक्त मिल गया मतलब वाह मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती अमूल्य रत्न मिल गया मुझे, रामानुजाचार्य कहते हैं कि यू कंसीडर दैट, आपको ऐसा आनंद होना चाहिए यू फाउंड फ्लावर्स सेंट्स एरोमेटिक्स एंड सो फोर्थ, एज इफ द ब्लश ऑफ मून शाइन्स स्प्रेड अबाउट यू राइट, इस तरह से। और ये तो कहा धन दौलत, और कहते हैं दूसरा ऐसा हमें सोचना चाहिए कि मेरा सबसे करीबी मेरा जो रिश्ते वाला व्यक्ति है वो मिल गया मुझे, हम बोलेंगे मेरे रिश्ते वाला चाचा मामा अंकल आंटी है, कोई रिश्ते वाला नहीं है, लेक्चर के बाद सुनाइए और निकल जाए है आपके रिश्ते वाले वो, लेकिन असली हमारा रिश्ते वाला कौन है, भगवान के जो भक्त है। जब भक्त मिलेगा तुरंत समझ जाइए मेरा सबसे मेरा जिगरी दोस्त मिल गया, मेरा करीबी सबसे मेरा रिश्ते वाला आदमी मिल गया राइट। आज तू हंस रहे, वो बोल रहे यात्रा में मुझे इतने सारे लोग मिले मेरे करीबी वाले क्योंकि कुबेर जी का रोल नहीं है वो यात्रा में, पता है आपको कुबेर जी का रोल था, अगली यात्रा में भी देंगे आपको और आपके रिश्ते बढ़ेंगे। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज कहते हैं अगर आप सेकंड क्लास वाले व्यक्ति के पास है, सेकंड क्लास कौन था, नास्तिक अभक्त, जब आप उससे मिले तो ऐसा समझिए इफ यू कम अक्रॉस मैन ऑफ द सेकंड टाइप कंसीडर दैट यू हैव कम अक्रॉस अ वेनमस रेप्टाइल, एक बड़ा खतरनाक कोबरा आपके पास आया है समझ लीजिए, बड़ा खूंखार जानवर शेर, बड़ा जबरदस्त जहरीला सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा जो काटेगा आपको जबरदस्त। अभी आप लोग बोलेंगे यार ट्रेन में घुसते तो पूरे ऐसे लोग होते हैं, सांप आया भागो वहां से, सांप आया कैसे चलेगा प्रभु जी, हम ट्रेन में कैसे जाएंगे फिर राइट। लेकिन ये वस्तु स्थिति इसलिए बताई गई है, कहने का अर्थ ये है कि जो भी भगवान के भक्त नहीं है वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते वो लोग, क्या नहीं मानते भगवान को, मानते नहीं वो तो ठीक है मानते नहीं वो भी चलेगा, लेकिन वो मानते नहीं और आपको बताते हैं कि कैसे नहीं मानते हैं वो बड़ा खतरनाक है, और भगवान को गाली भी देंगे भक्तों को गाली देंगे। ऐसे लोगों से 100,000 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखने का, कितना 100,000 किलोमीटर, कितना यहां से अमेरिका का अंतर कितना है, कितना है रहेगा ना कई किलो हजार लाखों किलोमीटर, उधर क्या होता है आपको पता नहीं चलता है जब तक आप किसी के साथ फोन में टच नहीं रहेंगे, ऐसा रहने का दूर। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं हमारे अंदर इस संसार को भोगने की विषय वस्तुओं की भावना डालेंगे हमारे अंदर, है ना, भगवान नहीं है संसार, तुम भक्त भी भगवान हो तुम्हें भोग करो तुम्हें मजा करो एंजॉय करो। तो रामानुजाचार्य कहते हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार करने का। और तीसरे जो व्यक्ति है जो संसारिक व्यक्ति है कर्मी है बोलेगा तो इनके साथ कैसे रहने का, उनके जैसे रहने का, हमको कुछ लेना देना नहीं होता है, हमें कुछ लेना देना नहीं इनके साथ, और रास्ते से चल रहे हैं चल रहे थे मैं भी चल रहा हूँ
वो अपने रास्ते में चल रहे, मैं अपने रास्ते में चल रहा हूँ। हाँ, अगर वो खुद से अगर आके बोले अच्छा मैंने सुना आप कहीं सत्संग में जाते हैं, तो फिर उनको बता रहे नहीं पूछते हैं, जबरदस्ती नहीं बता रहे इन द सेंस की जब तक आपको भगवान के ऊपर अच्छी तरह से श्रद्धा है नहीं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रचार करने जाऊं तो मुझे कुछ बोल दे मेरा श्रद्धा खत्म हो गया। पहले हमारा भी श्रद्धा स्ट्रांग बनना चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए, नहीं तो फिर उसको हाथ में लगाने का। अपने भक्तों के साथ आइए, आनंद लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार तीन कैटेगरी के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, और जो कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है एक्चुअली, सारे शास्त्र आप जब उसको टटोलेंगे तो उसमें से आपको ये तीन चीजें मिलेंगी। भक्त मिलेगा तो सोचना है मेरा सबसे पुराना सबसे बढ़िया मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया, और अगर नास्तिक मिला तो क्या सोचने का, क्या सोचने का, कोबरा है जहरीला हो गया, बिना जहर का नहीं, तो रास्ते में कितने कोबरा घूम रहे, कितने बिच्छू घूम रहे, इतने बाघ घूम रहे, इतने शेर घूम रहे, और हम लोग क्या करते हैं, दोस्ती बना लेते उनके साथ, आपके मोबाइल में सोशल मीडिया में सबसे खूंखार बड़े बड़े यू नो सिंह और दांत वाले असुर घूम रहे, और हम उनको देख के दोस्ती कर रहे थे उनके साथ, कितना अच्छा पिक्चर बनाया यार, कितना अच्छा डांस करा, कितना अच्छा गाना है, थोड़ा सुन लू मैं भी, बस हो गया, सुन लो दोस्ती कर लो, फिर उसके साथ हम भी असुर बन जाते हैं। इसीलिए हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनके साथ वो अगर इच्छा करेंगे तो भक्ति प्रचार करो, नहीं तो उनको अपने रास्ते में चलने दें, राइट। तो इस प्रकार तीन सूचनाएं उन्होंने दिया, इसका जस्ट एक 15 मिनट का पाठ बचा है जो आज हम नहीं लेंगे, अगले कक्षा में इसको पूरा करके फिर नए कथा को प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने ये सुंदर सूचनाएं दी है हमको कि जिसके आधार पर हम देखिए हमने आज तक तुकाराम महाराज का कथा क्रम सुना, उसके बाद हमने रामानुजाचार्य जी का कथा क्रम सुना। ये सब कथा भक्तों और आचार्य क्यों सुनते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या बनना है, भक्त बनना है, तो किसकी कथा सुननी पड़ेगी, बराबर ना। आप बोले कि भगवान की कथा नहीं सुना दे आप लोग, क्योंकि हमको भगवान नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है, इसका मतलब है कि भगवान की कथा ही सुननी है, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि पहले भक्त बनूं मैं, फिर मुझे भगवान की कथा सुनने में आनंद आएगा, फिर ऐसा आनंद आएगा कि मैं भगवान की कथा में रह नहीं पाऊंगा, राइट। इसीलिए पहले हमें जप करना सीखना है, भक्तों के साथ कैसे रहना है वो सीखना है, यू नो घर में कृष्ण कॉन्शियस लाइफ कैसे जीना है वो सीखना है। अदरवाइज आप बोलेंगे मुझे डायरेक्ट रासलीला सुनाओ तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्या होगा, लव स्टोरी हो जाएगा हमारा, अच्छा लव स्टोरी, हाँ अभी समझ गए, वो बोल रहे हैं कि बराबर बोल रहे हैं, बराबर सही बोल रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट भगवान का रासलीला सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें लगेगा मैं तो कोई लैला मजनू की कहानी सुन रहा हूँ, अच्छा लैला और मजनू, मैं भी लैला और मेरी भी एक मजनू की कथा, जो भी आप लोग ऐसे ही करते हैं ना, लोग कृष्ण की कथा सुनते, अभी देखिए कितने लोगों ने कृष्ण का कार्टून देखा होगा भारत में, कितने हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैंने हाथ ऊपर करने का नहीं कहा, कृष्ण कार्टून देखने के बाद कितने लोगों ने 16 बार चालू किया, कितने लोगों ने चैंटिंग चालू किया, अच्छा आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, रामायण भी देखा होगा, है ना, उससे कुछ फर्क पड़ा डेफिनेटली, लेकिन भक्त तो नहीं बने ना आप लोग, तो हमारे एक ना प्रभु जी को कहते हैं कि जो पुराने टाइम में वो देख के श्रद्धा आया, तो हमारे एक भक्त थे वो कहते थे कि महाभारत चलती थी, लोग देखते थे महाभारत, और अभिमन्यु का वध हो गया, लोग रो रहे, इतना बड़ा अन्याय, फिर 15 मिनट के बाद सीरियल बंद, नेक्स्ट सीरियल चालू, क्रिकेट की मैच, आज इंग्लैंड और इंडिया का मैच है और सचिन 0 पे आउट हो गया, नहीं आंखों से आंसू आ रहे, तो आपके आंसू किस किस के लिए है भाई, अभिमन्यु मर गया तो रोते हैं आप, सचिन 0 पे आउट हो गए तो भी रोते हैं आप,
वे उससे ज्यादा रोते हैं। आप करते किससे प्रेम है भाई? इसीलिए देखिए, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे तब तक अभिमन्यु को पता नहीं चलेगा। यानी सीरियल देखने से काम नहीं बनता है, वो तो आप देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें तात्पर्य जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग आचार्य भी कहते रहे, कितनी बड़े प्रश्न कर रहे थे कि हम लोग कुछ कथा सुनेंगे डायरेक्ट भगवान का, बोला सुनेंगे यार सुनेंगे, पहले भक्तों की कथा सुनो, भक्त कौन है, भक्त कैसे बनना है, भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए, भक्तों का महत्व क्या है। एक बार फिट हो गया आपके दिमाग में, हार्ट के अंदर, जिंदगी भर भक्तों का संग छूटेगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग दो साल, तो कितना साल हो गया, एक साल हो गया, दो साल हो गए, दो साल हो गए, दो साल हो जाएंगे। नेक्स्ट कथा बोलिए, क्या रिक्वेस्ट है? मेरा भाई की कथा सुननी है आपको? हम सारे माता जी का, प्रभुपाद जी का, मेरा भी दोस्त, प्रभुपाद जी की कथा सुनने हैं। ठीक है, करेंगे हम लोग कुछ प्रयास करेंगे, देखते हैं किसकी कथा का उदय होता है, क्या प्रेरणा मिलती है। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, रामानुजाचार्य और ये आगे कृष्ण कथा और संत तुकाराम महाराज की कथाओं का जो हमने आस्वादन किया, इसका निचोड़ यही है, भक्तों के साथ रहिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस कथा का आस्वादन। तो आप लोगों में से जो भी नए आए हैं आज, एक बार हाथ ऊपर कीजिए खाली, इतने सारे नए लोग हैं, सेकंड टाइम, लेकिन आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आज करेंगे, आप नंबर दिया आपने, ठीक है। और जिनके पास आज जो नया है, जब माला नहीं रहेगा तो क्लास है, किसके पास नहीं रहेगा तो आप क्लास के बाद हमसे माला लीजिएगा, और हर संडे को इसमें आते रहिए। आज जो भी आए हैं पहली बार, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, हरि बोल बोलकर, हरि बोल, ठीक है, नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सब प्रसाद खाइए। हरे कृष्ण, आइए वृंदावन में, आगे आइए, बच्चे उस हॉल के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे खेलने के लिए, ठीक है। राजेश पंचाल रूप किधर है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरि गंगा शूटिंग अरे मुझे सेट द्रव्य को पूजो नहीं करा द्रव्य को पूजो सारे बोलो Thank you.
Hey!
चलो चलो हरि बोल हरि बोल।